10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? 2 करोड़ नौकरी की दूर दूर की बात है साहब, आज 2 करोड़ नौकरियां छीने जा रहे हैं। क्या वाकई कंगना रनौत बहाना है और उद्धव ठाकरे निशाना है? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है, आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मेनस्ट्रीम मीडिया ने बात करना ही बंद कर दिया है, और अब सरकार की तरफ से ना इस पर कोई बयान आता है और ना ही कोई आंकड़े। अगर बेरोजगारी के ताजे आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2 करोड़ नौकरियां लॉकडाउन की वजह से चली गई हैं। CMIE के डेटा के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% है। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले एक भाषण दिया था जिसमें वे UPA सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहे थे। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। अब तो मोदी जी खुद ही सत्ता में हैं और अच्छे दिन का वादा करके आए थे, उसी अच्छे दिन की तलाश में बेरोजगार युवा जुटे हुए हैं। स्टूडेंट्स ने अपने दम पर सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का तरीका अपनाकर प्रदर्शन किया, ताली बजाकर और थाली बजाकर। इस सरकार में आने के, नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आने से पहले इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी की दूर दूर की बात है साहब, आज 2 करोड़ नौकरियां छीने जा रहे हैं। इस देश के युवा भीख मांगने के लिए रास्ते सड़कों पे उतर आए आज। स्टूडेंट्स द्वारा इतना बड़ा आंदोलन अलग अलग राज्यों में किया गया, युवा रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुके हैं और मीडिया की नजर यहां नहीं पड़ी। मीडिया के मेजर डिबेट्स में किन मुद्दों पर चर्चा हुई आप खुद ही देखिए। डरपोक सेक्युलर गैंग ताली बजा रहा है, क्या रिया के गुनाह छिपाने के लिए कंगना रनौत को गाली दे रही है सोनिया सेना? संजय राउत ने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए कंगना को हरामखोर कहा था। आप हुक्का पानी लेकर कंगना रनौत के खिलाफ खड़े हो गए? क्या वाकई कंगना रनौत बहाना है और उद्धव ठाकरे निशाना है? कंगना पर केंद्र वर्सेस महाराष्ट्र का रण क्यों हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हत्या है ऐसा प्रमाण लगातार अब मिल रहा है। क्या पॉइजनिंग हुई थी? क्या सुशांत को बूंद बूंद जहर से मारा गया? डॉक्टर्स को शक, मर्डर भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर SSC एग्जाम के रिजल्ट को लेकर हैशटैग ट्रेंड करवाया, जिसको लाखों लोगों का समर्थन मिला। इसका परिणाम ये निकला कि SSC द्वारा रिजल्ट जारी करने की डेट्स दे दी गई हैं। अब 21 सितंबर, 4 अक्टूबर और 31 अक्टूबर इस तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। इसके बाद रेलवे में भर्ती को लेकर भी ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवाया गया, जिसके परिणाम में रेलवे बोर्ड द्वारा एग्जाम्स की तारीख भी जारी कर दी गई है। नाउ कंसीडरिंग द कोविड सिचुएशन एंड आल्सो कंसीडरिंग दैट नीट एंड JEE एग्जाम इज गोइंग ऑन स्मूथली, Railway has decided that we will start exams for all these 3 category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test
and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications and schedule will be announced very soon. स्टूडेंट्स अब सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे समय में सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री मोदी संबोधन तो करते हैं देश के युवाओं को, पर रोजगार देने पर कोई बात नहीं करते। वहीं राहुल गांधी भी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 trillion अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, हैशटैग विकास गायब है। पिछले कुछ समय से सरकार की प्राथमिकता क्या रही है ये तो अब आप सब जानते ही हैं। एक बार मोदी जी ने अपने भाषण में नाली के गैस से चाय बनाने के बारे में कहा था। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है, और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और दूसरी बार जी न्यूज के दिए इंटरव्यू में उन्होंने पकोड़े बेचने वाले का उदाहरण दिया था। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? इसके अलावा सरकार जिस मुद्रा लोन को बढ़ा चढ़ाकर बताती है कि लोन की वजह से बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 करोड़ लोगों को बैंकों से बिना कोई गारंटी 4 लाख करोड़ रुपया मिला है, और इन 10 करोड़ में 3 करोड़ वो लोग हैं जो पहली बार बैंक से उनको पैसा मिला है। इसका मतलब है 3 करोड़ तो बिल्कुल नए हैं जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट दे करके और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसी को लेकर सरकार के खुद के पास कोई आंकड़ा नहीं है। एनडीटीवी के खबर के मुताबिक जब आरटीआई के जरिए सरकार से मुद्रा लोन पर सवाल हुए, अपने जवाब में उन्होंने सरकार की ही कही बात को दोहराया गया। उसमें कहा गया कि इस योजना से रोजगार बढ़ा है, पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया। सरकार ने अब तक कितनी नौकरी दी इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ अहम कदम उठाएगी जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.